कोई अगर राजस्थान में जन्मा पला पड़ा हुआ है, वहाँ पानी की दिक्कत रहती है, टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है, लेकिन उन सब डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद भी वो जब बड़ा हो जाएगा, कहीं दूसरे जगह रहेगा, तो वो डेफिनेटली चाहेगा कि मैं वहाँ फिर से लौट करके जाऊँ। वादी क्योंकि अपने आप में एक स्वर्ग है, कतई उसमें कोई भी उससे दो राय नहीं रखेगा, हर कोई इससे मुत्तफिक हो जाएगा। तो यहाँ से जो कश्मीरी पंडित पिछले 30 साल के आरसा में दूसरे एरियाज़ में गए हैं, बहुत सारे जम्मू में बैठे हैं और कुछ एक कंट्री के इवन दूसरे मुल्कों के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी गए हैं, अपनी अपनी रोजी रोटी वो अच्छी कमा रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन तो भी जो है इनको यहाँ की जो है रहा ज़रूर सताती है। और काफ़ी लोग यहाँ आते हैं, पिछले साल से जो है काफ़ी लोगों ने यहाँ अपने जो ज़मीन घर वगैरह कहीं अगर टूटे फूटे थे उनको दुरुस्त करना शुरू कर दिया है, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली काफ़ी लोग आएंगे। जहाँ तक गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात है तो 6000 में से तकरीबन 5500 के करीब मुलाजिम हमने अपॉइंट कर दिए हैं और वो अपने फैमिली के साथ इधर रहना आ रहे हैं। उसमें से हार्डली 1200 ही लोग जो है गवर्नमेंट अकोमोडेशन में है और बाकी जो है मोर देन 4000 के करीब लोग जो है रेंट पर कमरे लेकर के या कहीं अगर उनका खुद का मकान है तो दुरुस्त करके जो है यहाँ रह रहे हैं। मोस्टली जो रेंट पर जो ले रहे हैं यहाँ की जो मुस्लिम आबादी है हमारी, उन्हीं से मकान लिए हुए, कमरे लिए हुए और उनके साथ जो है वो अच्छी तरीके से रह रही है जी। बात करें कितना मौजून है हालात वापस आने का अगर इनके? डेफिनेटली हालात जो है दिन ब दिन काफ़ी बदल रहे हैं। जो अनासिर तबका था, एंटी नेशनल तबका था, वो कम हो रहा है, वो टाइटन हुआ हुआ है, वो उनको पता है कि नहीं अब उनके दिन जो है ख़त्म हो गए हैं। डेफिनेटली जो है हर किसी चीज़ को जैसे शुरुआत होती है तो एंड भी रहता है, तो डेफिनेटली वो भी हो जाए।